अस्सलाम वालेकुम गाइस, भारत ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। देखिए, हरा हरा मौसम आया, मेथी की सब्ज़ी लाई हूँ, तो हम उसमें क्या क्या डालेंगे बता दूँ। ये देखिए, 3 प्याज और ये लहसुन, ये हरी मिर्च, ये इतना टमाटर, और उसके अंदर ये आलू। ये आलू हम छोटू आलू लिए हैं, इसको खड़ा डालेंगे नहीं तो गल जाएगा। ये सरसों का तेल, ये हमारी मेथी की भाजी। तो हम प्याज फ्राई करेंगे, लहसुन और हरी मिर्च को हम कूट लेंगे, और टमाटर भी हम चॉप कर लेंगे बारीक। देखिए गाइस, अब हम तेल डालने जा रहे हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेथी की सब्ज़ी है। हमारा तेल लाल हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। गैस, अब देखिए हमारी प्याज लाल हो गई, लेकिन हमें इतना ही चाहिए मेथी के अंदर। इससे ज़्यादा हम डालेंगे तो मेथी कड़वा होने लगेगी। अब मेथी बहुत अच्छे से गल जाएगी इसमें। अब हमें आलू डाल रहे हैं इसके अंदर, जो छोटू आलू रखे थे। कभी मेथी कड़वा नहीं होगी अगर इस तरह प्याज अगर इतना हल्का फ्राई होगा तो मेथी में कड़वाहट मार देगा इसका। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमको जितना नमक चाहिए हमने डाल दिए। हल्दी डाल रहे हैं, अब जो हमने टमाटर रखे थे आपको दिखाए हैं, आप सबको ये हम चॉप करके डाल देंगे। अब हम 2-3 मिनट इसको होने देंगे, गलने देंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च जो फोड़ के रखे थे मोटा मोटा, ये डालेंगे। आप कूट के भी डाल सकते हैं, आप खलबट्टे में भी कूट के डाल सकते हैं, और थोड़ा छोटे जार में मोटा चॉप कर लेंगे तो भी हो जाएगा। गैस देखिए, वाह, इसके खुशबू और इसका रंग रूप देखिए। अब हम जा रहे हैं मेथी डालने। हम सब मेथी इसी में डाल देंगे, मेथी भी हमारी थोड़ी ज़्यादा है क्वांटिटी। इसके लिए हमको मसाला इतना लेना पड़ा है, आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिए। गैस, अब हम इसको नीचे ऊपर थोड़ा करते हैं, और हम सब्जी को थोड़ा लो फ्लेम पे रखेंगे।
इसे। अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर रख देंगे थोड़े देर के लिए। चलो देख लेते हैं सब्जी। देखिए भाई खूब बढ़िया टमाटर और कांदे के रस में बन रही है। इसमें पानी एक बूंद नहीं है। अब हम और इसको ढक देते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारी मेथी की सब्जी कहाँ तक पहुँची। देखिए भाई बहुत खुशबू से घर भर गया और बहुत अच्छी मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और ऐसे ही थोड़ी नरम चाहिए कि उठाओ तो सब तेल है, पानी नहीं है। और गाइस अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। और आप लोग भी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और अपने बच्चों को बड़ों को इस तरह बना के ज़रूर खिलाएं। अब हम दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारी रेसिपी रेडी हो गई खाने के लिए।